दोस्तों अभी हम लोग अपना साइकिल ले लिए हैं, अभी निकल रहे हैं हम लोग घर को। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों विजय को, विजय को पूरा नेशनल हाईवे पर ये देखो साइकिल चला रहा, बच्चों वाला साइकिल। लेकिन दोस्तों इसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। जैसे मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, जिंदगी में पहली बार मेरे को ऐसा लगा है ना कि मेरे को बोलते बोलते इधर पेट में ऐसे दर्द होने लगा है। अभी देखिए दोस्तों लगभग 20 से 25 वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को पता है ना क्या हाल हो सकता है मेरा। भाई साहब पूरा पेट एकदम दर्द करने लगा, मुंह भी दर्द करने लगा और उस दिन भी हमारा ब्लॉग कैंसिल। तो यही दोस्तों आप लोगों से कहना चाहते हैं, देखिए हमने एक प्लान बनाया है कि जितने भी भाई लोग हमसे मिलने आएंगे वो केवल। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबके प्यार और सपोर्ट से हम भी एकदम मस्त हैं। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज दोस्तों हर दिन की तरह बिल्कुल एकदम क्लियर धूप निकला है और सुबह से ही दोस्तों लगभग हमसे 5 से 6 लोग मिलने आए थे। और भी पता दोस्तों 11 बज चुके हैं लेकिन मैंने जरा सा भी खाना नहीं खाया, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चलता हूँ, थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेता हूँ क्योंकि दोस्तों आज मुझे जाना है अपने घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर। आप सभी को पता ही चल जाएगा कि मैं क्यों जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं खाना पीना कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखो दीदी हमारी खाना निकाल रही है। आज क्या बना दीदी खाने में? भात, सब्जी, रोटी। दोस्तों अभी हम अपना खाना ले लिया है, हाथ में है रोटी और यहाँ रहा सब्जी, चावल और दाल, यानी कि दाल भात रोटी सब्जी आज बना। आज मैं दाल भात रोटी सब्जी खाने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी आकृति भी आ चुकी है, खाने के साथ साथ गुंडा को भी ले रही है। मतलब ये क्या कर रही है, खाना है तो खाए तो खेल ना। अभी अभी आपको भूख नहीं लगी है क्या? तो खाना खा लो बाबू का भी रख दो। ये देखो दोस्तों कैसे खेल रही है, खा भी नहीं रही है खेल भी रही है, मतलब देखो समझ रहे हो आप लोग। हाँ उखर गया, क्या उखर गया? अखवा इसका निकल गया, कह रही है अखवा निकल गया इसका। ये क्या कर रही है अम्मा? अखवा निकल गया इसका। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी पता है दोस्तों दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। भाई साहब मैं लगभग 11 बजे के आसपास खाना खाया था क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह ही लगभग 4 से 5 लोग मिलने आए थे। उसके बाद जैसे ही दोस्तों हमने खाना खाया भाई साहब 6 लोग लगभग मिलने आ गए। तो लगभग सुबह से ही 10 वीडियो मैं उनका ही बना चुका हूँ, इसलिए दोस्तों मेरे को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर, वो एक छोटा सा साइकिल खरीदना है एक छोटे से बच्चे के लिए। मेरा एक दोस्त है ना, उसकी छोटी सी भांजी है, उसके लिए एक छोटा सा साइकिल खरीदना है। यहाँ पर हमारे विजय भाई भी साथ में आ चुके हैं। और कैसे भाई साहब? बढ़िया हूँ भाई। और चलो फिर से चलना है, चलो चलते हैं, बहुत लेट। 8 से 10 किलोमीटर हमको जाना दोस्तों इसी साइकिल से ही। और धूप देखो भाई साहब, कसम से इतनी तगड़ी धूप है ना, भयानक इतनी धूप है, क्या बोले दोस्तों। हमको तो लग रहा भाई चेहरा एकदम पूरा झांस जाएगा, मतलब एकदम कालापन हो जाएगा। जो भी दोस्तों काला हूं तो काले का असर होएगा नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। 8 से 10 किलोमीटर हमको जाना, लगभग 1 घंटे के आसपास लगेंगे। तो चलिए विजय भाई, चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आए थे रुधौली में, जो कि हमारे घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों हमारे साइकिल के सामने ये एक बम्पर लगता है ना, वो भैया नहीं लगवा पाए थे क्योंकि उस समय था नहीं। लेकिन अभी देखिए दोस्तों पीछे यहाँ पर जो भी है इसमें वो बम्पर आ गया है। भैया का कहना है आज लगवा देंगे अगर इसमें से कुछ सामान उतरवा दोगे। तो भैया बताओ लगवा दोगे ना उतरवा देंगे? बताइए भैया, देखिए पहले निकालो यार, निकालेंगे हम, लगवा दीजिएगा ना। दोस्तों हम जा रहे हैं निकलवाने और भैया कह रहे हैं निकाल देंगे, मतलब इसमें लगा देंगे निकाल के। तो अभी हम उतरवा रहे हैं, उसके बाद लगाएंगे भैया। अरे वाह, हेलो हेलो दोस्त। दोस्तों अभी भैया का सारा माल उतरवा दिया हमने और अभी देखो भाई सब गर्मी वर्मी भी होने लगी है। और भैया का कहना था कि वो जब बम्पर लगवाना था ना और लगवा देंगे, अभी भैया कह रहे नीचे आओ चलो बम्पर लगा देते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम नीचे उतर जाते हैं और भैया बम्पर लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए भैया ने जो कहा था वो लगवाने के लिए, जो कि हमारी साइकिल के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ्टी होता है, वो था बम्पर ना भैया? तो है कि नहीं है इस समय? अभी खत्म हो गया। तो पहले तो आप बोले थे कि लगवा देंगे, अभी आप निराश भेजोगे वापस ना? नहीं नहीं आ जाएगा तो लगवा देंगे। भैया कह रहे हैं कि अभी नहीं लगवा सकते क्योंकि नहीं है। और हमारे साइकिल में वास्तव में दोस्तों हमें क्या लगवाना था अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे साइकिल के यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है ना, अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ दोस्तों वास्तव में हमें क्या लगवाना था अपने साइकिल में। ये देखिए दोस्तों ये जो बम्पर है ना हमें यही लगवाना था और ये साइकिल की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब मदद करता है। तो भैया ने कहा था भाई लगवाने के लिए और अभी हमें निराश वापस भेज रहे हैं। क्या करें दोस्तों, मतलब कुछ कह भी नहीं सकते ना।
भाई तो पूरा गर्मी से भीज कर भैया का मदद कराया, लेकिन भैया ने भाई निराश भेज दिया हमें वापस। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए थे वो अपने दोस्त के साइकिल खरीदने के लिए ना, तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ये वाला साइकिल हम लोग चूज किए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये वो भैया है जिनका दुकान है, आपको सीधा सीधा दुकान है आपकी, तो भैया इसका आप बता दीजिए प्राइस वगैरह कुछ कितना रहेगा? 2500 ना, तो ये देखिए दोस्तों 2500 रुपए में हमारा ये सेट हो चुका है। अब इसमें दोस्तों एक घंटी लगवाना, यहाँ पर घंटी लग जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पर हम घंटी लगवा लेते हैं उसके बाद इसको लेकर निकलते हैं घर। दोस्तों अभी हम लोग अपना साइकिल ले लिए हैं, अभी निकल रहे हैं हम लोग घर को। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों विजय को पूरा नेशनल हाईवे पर ये देखो साइकिल चला रहा, बच्चों वाला साइकिल। दोस्तों अभी देखो विजय भाई यहाँ पर साइकिल को लेकर इधर साइकिल पर बैठ चुके हैं, मैं भी साइकिल पर बैठ चुका हूँ। और अभी दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं सीधा घर। दोस्तों अभी हम घर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो साइकिल हम लाए हैं ये हमारी आकृति उसके लिए रो रही है। आकृति साइकिल चाहिए, बेचारी रो रही है। दोस्तों हमारा पूरा पेमेंट दोस्तों सेकंड पेमेंट इसी मोबाइल को खरीदने में लग गया, कुछ बचा ही नहीं, कहाँ से इसके लिए साइकिल ले दें। ये देखो इस बेचारी परेशान हो रही कि हमको चाहिए साइकिल चाहिए, इसको निकाल दूं इसको। ये सच बताओ तो ये बहुत ज्यादा परेशान है साइकिल पर घूमने के लिए, घूमोगी? चलो घुमा देता हूँ एक बार दोस्तों इसको साइकिल पर, थोड़ा सा घुमा देता हूँ। आओ बैठो इसको दोस्तों थोड़ा सा घुमा देते हैं, बैठो आओ इस पे बैठोगी, आओ बैठो ये बैठो। हमारी कीर्ति बैठ गई साइकिल पर, बूम बूम बूम, मजा आ रहा है कीर्ति? उधर देखो बोलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बूम बूम बूम। दोस्तों अभी रात हो चुका है और अभी दोस्तों हम अपना खाना खाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और आज है दोस्तों खाने में निमोना, जो कि दोस्तों मटर का सब्जी होता है, और उसके साथ है दोस्तों चावल। तो अभी दोस्तों हम अपना खाना खा लेते हैं। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, मम्मी जी भी खाना पीना कर चुकी हैं, और अभी दोस्तों हम अपने मम्मी जी के साथ आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं। क्यों? देखो दोस्तों बात यह है ना कि इस समय ना हमारा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है दोस्तों ब्लॉग बनाने में, मतलब जो दिक्कत आ रही है सच में दोस्तों कैसे बताएं आप लोग समझ सकते हो। देखिए दोस्तों अभी मैं आप सभी को पूरी बात बताता हूँ, हमारा ब्लॉग बनाने में क्यों मुझे इतना लेट हो रहा है, मैं डेली ब्लॉग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, डेली ब्लॉगिंग जैसे मैं पहले करता था अभी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बात यह दोस्तों देखो लगभग एक हफ्ते पहले ही मेरा बहुत ही तगड़ा वाला तबीयत खराब था, एकदम बुखार था नम्मा, बहुत तगड़ा बुखार था दोस्तों। तो मैंने क्या किया, दवा वगैरह लिया, अपना इंजेक्शन भी लगवाया क्योंकि ज्यादा बुखार था ना, तो इंजेक्शन भी लगवाया था। तो मैंने वहां से दोस्तों दवा वगैरह लिया। दोस्तों 9 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा था, सुबह की बात है। उसके बाद दोस्तों घर पर देखा लगभग 10 लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं अम्मा, मुझे वीडियो बनाने के लिए आए थे। तो दोस्तों मेन बात यह है ना कि हमने उनका 10 वीडियो बना लिया, भले ही दोस्तों हमारा तबीयत खराब था, भले ही दोस्तों हमें बुखार था, लेकिन दोस्तों हमने उनका वीडियो बनवाया। लगभग दोस्तों 10 बजे से लेकर 3-4 बजे के आसपास तक हमने उनका वीडियो बनवाया और हमारा ब्लॉग कैंसिल हमने कर दिया। अब हाँ 5 बज गया था। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारा तबीयत और भी खराब हो गया, क्योंकि दोस्तों लगभग 6-7 घंटा तक लगातार हम बोलते रहे। देखिए दोस्तों वही तो पेट भी दर्द करने लगता है। दोस्तों देखो मैं किसी को मना नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ यार, मैं किसी को नहीं मना करना चाहता, पता नहीं क्यों, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। अभी दोस्तों उसके अगले दिन की बात करते हैं, अगले दिन और मेरा तबीयत खराब हो गया। अगले दिन वैसी बात, मतलब दोस्तों मैं 9 बजे के आसपास जब वो इंजेक्शन लगवा के घर पर पहुंचा तो भाई देखा 20 लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पर, मैं तो पूरा का पूरा एकदम चौकी रहेगा भाई साहब, मेरा ऑलरेडी तबीयत एकदम पूरा का पूरा खराब। और भाई साहब जब देखा मैंने 20 लोग ना, मतलब दोस्तों मैं 9 बजे के आसपास जब वो इंजेक्शन लगवा के घर पर पहुंचा तो भाई देखा 20 लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पर, मैं तो पूरा का पूरा एकदम चौकी रहेगा भाई साहब, मेरा ऑलरेडी तबीयत एकदम पूरा का पूरा खराब। और भाई साहब जब देखा मैंने 20 लोग ना, भाई झूठ रिएक्शन देना पड़ता है, मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के आने से, क्योंकि भाई किसी को भी हम ये नहीं देखना चाहते कि हमारी वजह से उन्हें बुरा लगा या फिर ऐसा ना लगे कि उनके आने से हमें बुरा लगा। तो भाई साहब 20 लोगों का लगभग हमने 20 से 25 वीडियो बनवाया उस दिन, जब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 से 6 बजे तक। तो अभी देखिए दोस्तों लगभग 20 से 25 वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को पता है ना क्या हाल हो सकता है मेरा, भाई साहब पूरा पेट एकदम दर्द करने लगा, मुंह भी दर्द करने लगा, और उस दिन भी हमारा ब्लॉग कैंसिल। अगले दिन दोस्तों क्या हुआ, मैंने आधा ब्लॉग बना लिया, आधा ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि उस दिन शायद 10 लोग आए थे ना, 10 लोग केवल। तो मैंने दोस्तों लगभग उनका 10 ब्लॉग के आसपास बनवाया, तो मेरा आधा ब्लॉग बन गया। अगले दिन दोस्तों हमारा ब्लॉग उसी तरह से बना आधा, और हमारा ब्लॉग पूरा बन गया। ऐसे ऐसे करके दोस्तों लगभग 1-2 हफ्ते से मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, 2-3 दिन में 1 ब्लॉग। तो मुझे दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आ रही है मतलब ब्लॉग बनाने में, जैसे देखिए दोस्तों मैं कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ। और सच बताऊं तो दोस्तों ऐसे ऐसे भाई लोग भी आ जाते हैं ना, मतलब मिलने आने से कुछ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ भाई लोग ऐसे आ जाते हैं ना जो कहते हैं भाई देखो हमारा एक चैनल बना दो और हमें यूट्यूब पर वीडियो डालना है। अम्मा ये बताओ
जो हम वीडियो डाल रहे हैं, क्या इसमें मेहनत नहीं लगती है? हम शुरुआत में मेहनत नहीं किए थे? बहुत मेहनत करो बच्चा, मेहनत करो तो होर हो गया तो आप सपना पूरा हो गया। वो तो अम्मा कह रही बहुत मेहनत करो तब जाके कुछ दिन देखने को मिला है। मतलब अम्मी कह रही है ना कि बहुत मेहनत की हो तब जाके ये सब दिन देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ भाई लोग आते हैं जो कहते हैं भाई चैनल बना दो। अब बताइए दोस्तों, भाई लोग बदल दो, तुम टाइम, हाँ टाइम बदलेंगे। अभी हम बताते हैं थोड़ा सा ना, जो ऐसे लोग आते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं उनके बारे में बोल देते हैं ना। देखिए दोस्तों, कुछ भाई लोग ऐसे आते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए नए नए चैनल बना लिए या फिर नया नया चैनल बनाने के लिए ही आते हैं। तो भाई लोग आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भाई लोग मेहनत अभी नहीं कर रहे हैं या फिर शुरुआत ही किए हैं, अभी आप ना हो तो ही मतलब भलाई आप में। क्योंकि देखिए भाई लोग, यूट्यूब पर आपको सक्सेस तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, आप झेलोगे बहुत कुछ। आपको ऐसे ऐसे दिन देखने को मिलेंगे ना भाई सब, आप सोचोगे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है ही नहीं मेरे बस की, ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। आप बस सोचते हो कि चलिए मेरे 50 सब्सक्राइबर से मुकेश भाई के पास चलेंगे हो जाएंगे 500, ऐसे नहीं होगा। देखिए अगर आप मेहनत करोगे तो हम सपोर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम मेहनत नहीं किए होते तो क्या मनोज भाई हमसे बात करते हैं? अम्मा बिना मेहनत के दोस्तों मनोज भाई हमारा इंटरव्यू लेते नहीं ना। तो आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, जो भी भाई लोग हमसे मिलना चाहते हैं वो अगर मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पर, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो आए मिलने, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने एक प्लान बनाया, जो भी भाई लोग हमसे मिलना चाहते हैं आस पास के कहीं से भी हो मिलने, अगर आपकी इच्छा करे तो ही आप मिलने आइए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमसे मिलने ही आइए। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, सच बताऊं तो अभी पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। सुबह से ही दोस्तों लगभग 10 लोग हमसे मिलने आए थे, बुरा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि जो गांव वाले हम पर हंसते थे ना, उनको आज सबूत मिल रहा है कि आज वो लड़का जिसको हम लोग पागल बोलते थे, आज उससे 10-10, 20-20 लोग मिलने आते हैं, खुशी तो है। लेकिन जैसे कहते हैं भाई साहब, देखो अमृत कितना भी ज्यादा मिल जाए तो ऐसा थोड़ा ना सारा का सारा पी जाओगे, वही तो मना। तो यही दोस्तों आप लोगों से कहना चाहते हैं। तो हमने दोस्तों एक प्लान बनाया है कि जो भी भाई लोग हमसे मिलने आना चाहते हैं वो शनिवार को दोपहर 2 बजे के बाद आए, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा भी ब्लॉग बन जाए और आपका भी बन जाए, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहता हूं। तो आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, प्लीज भाई लोग अगर आप लोग हमारी थोड़ी बहुत भलाई चाहते हो तो हाथ जोड़ के दोस्तों रिक्वेस्ट, आप लोग शनिवार को दोपहर 2 बजे के बाद आए, क्योंकि दोस्तों इस समय ना मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। मैं किसी के सामने ये नहीं बोलता हूँ ना, क्योंकि चाहता हूँ मैं दोस्तों जो हमारे पास आया ना वो खुशी खुशी वापस जाए। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, जिंदगी में पहली बार मेरे को ऐसा लगा है ना कि मेरे को बोलते बोलते इधर पेट में ऐसे दर्द होने लगा है। मैं किसी को नहीं बताता हूँ दोस्तों, मैं सोचता हूँ दोस्तों अगर किसी का मेरे वजह से थोड़ा बहुत भी हेल्प हो रहा है ना तो मेरा ये सौभाग्य है। लेकिन दोस्तों इसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जैसे जो नया नया चैनल बना रहे हैं, भाई आप मत आओ प्लीज, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत कर नहीं कुछ भी होगा। वही तो अम्मा, बिना मेहनत के नहीं, बहुत मेहनत करे हो बच्चा। हम अम्मा हम कह रहे हैं ना, जो भी भाई लोग जो भी दोस्त लोग हमसे मिलने आना चाहते हैं शनिवार को दोपहर 2 बजे के बाद, ऐसे ही रहेगा ना? तो चलिए दोस्तों, हाँ ठीक, वही तो हम कह रहे हैं, हम भी कर लें और आप भी कर लीजिए। सही, हाँ सही कह रहे हो, क्यों दुखी होगा, हाँ कोई दुखी होकर ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। हाँ अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। प्लीज दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।